खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से, जहां हमारे नुमाइंदे निजाम जीबी के मुताबिक मुलभर की तरह हैदराबाद में भी दादन शाह महिला कमेटी की जानिब से जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश और खरोश से मनाया गया, जबकि 5 पाउंड का उनका केक काटकर अकीदत का इजहार किया गया, न्याज भी की गई। जबकि एचपी लाइव टीवी से गुफ्तगू करते हुए दादन शाह महिला कमेटी के अहदेदारों का कहना था कि हम हर साल की तरह इस साल भी दादन शाह वेलफेयर कंपनी से कमेटी की तरफ से अपना हर साल ये जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं और जोश और खरोश से मनाते हैं और अपना ये नियाज और नजर सारे मिलके लड़के करते हैं अपने दादन शाह वेलफेयर कंपनी के। और अल्लाह और तौफीक और इससे बढ़कर ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह। बस भाई ये हमारे नबी ने सबको अमन का दर्द दिया, बस सबको मिलजुल के अपना ये जश्न मनाया जाए। वो बोलते ना सिवाय इब्लीस के इल्जाम में हर कोई खुशियाँ मना रहा है। बस इसी तरह हम चाहते हैं कि इसी तरह सब लोग जो है ना मिलजुल के इस जश्न विलादत को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के बनाएं, ताकि उम्मत मुस्लिमा पर जो है ना ये असर पड़े कि हम सरकार अलैहिस्सलाम का ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं। आज के प्रोग्राम के हवाले से हमारे सारे इस तरह करते हैं, हमारे को अल्लाह ताला और तौफीक दे और हम दोस्तों में आपस में रहने की तौफीक दे। और शिया सुन्नी साथ हैं हम कोई इसमें कोई झगड़ा नहीं है हमारा, इंशाल्लाह तो साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हम ये प्रोग्राम दादन शाह वेलफेयर कमेटी की तरफ से रखा गया है और हम लोग हर त्यौहार मनाते हैं आपस में तमाम दोस्त मिलके, जिसे तमाम एनजीओस मिलके प्रोग्राम करती हैं, ऐसे ही हम हर त्यौहार मनाते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे साल अच्छे से अच्छा करें। तो इस साल भी हमने केक का प्रोग्राम रखा है, आतिशबाजी रखी है और कल इंशाल्लाह जुलूस में भी शिरकत फरमाएगी पूरी टीम। तो यही मैसेज देना चाहता हूँ, इस तरह तमाम मेले वालों को अपनी एक कमेटी बनाना चाहिए और अपना एक प्रोग्राम इसी तरह हर त्यौहार सेलिब्रेट करना चाहिए, इससे क्या होता है नस्ल में जोशो जज्बा से पैदा होता है। यही मेरा मैसेज है तमाम को। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।